मनीष, एक चीज़ हमको और समझ में आई है इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो पीएसयूस वाली थी, कि सरकार ना पहले डिसइन्वेस्टमेंट्स करती थी, कंपनी को बेचती थी। अभी क्या है ना, सरकार उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ही ठीक कर देती है, तो बजाय बेचने से जितने पैसे आएंगे उतने पैसे तो फिर डिविडेंड से ले आती हो। तो ये चीज़ अच्छी हो रही है कि जो धीरे धीरे करके ये जो डिसइन्वेस्टमेंट वाली थीम है ना, वो फेड हो गई। अब आप किसी भी सरकारी कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे ना चेक करें, बल्कि ऑपरेशंस के नाम पे चेक करें। आई थिंक मनीष, आपका जो पॉइंट है ना, मेरे को लग रहा है वो इसके साथ बिल्कुल कोरिलेट करता हुआ दिख रहा है। मनीष, एक और चीज़ है, अगर आपको लग ही रहा है कि सरकारी कंपनीज़ में अभी भी जान काफ़ी है और हिम्मत काफ़ी है चलने की, तो कोई एक दो सेगमेंट, थीम या कोई शेयर्स बता सकते हैं अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करे तो? देखिए, स्पेसिफिक कंपनीज तो नहीं बताऊंगा, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसबिलीफ, और ये सेगमेंट अभी भी रीरेट होंगे। और अगर आप देखें तो जितनी भी आइस सेगमेंट तो बिल्कुल राइट ऑफ हो चुकी थी, जो भी यू नो इंटरनल कंबस्टन इंजन वाली सेगमेंट है, मार्केट्स ने उनकी पी मल्टीपल्स को बिल्कुल पीक पार्ट के बराबर कर दिया था। वेदर आप ऑटोमोबाइल कंपनीज देख लीजिए या फिर आप यू नो बैटरीज देख लीजिए, सब आधे से भी कम भाव थे आज की डेट में। तो ये सब बेसिकली आई सेगमेंट को कैटर करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी राइट ऑफ कर दिया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरमेंट में ही सब कुछ होगा, पर अभी हम रिसेंट अनाउंसमेंट में देख रहे हैं कि ऑडी ने बोला कि यू नो ईवी व्हीकल्स को कट डाउन कर रहे हैं, या मर्सिडीज ने बोला, या एप्पल ने बोला कि हम तो अपनी ईवी प्रोग्राम को बिल्कुल ही शटर डाउन कर दें। तो कहीं ना कहीं आइस का एक आइस सेगमेंट, बेसिकली इंटरनल कंबस्शन इंजन सेगमेंट का वापस कमबैक है, और अगर ये होता है तो आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तेजी बिल्कुल बरकरार, और सरकार उनको अभी पैसे बनाने दे रही। आप देखेंगे कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स काफी स्ट्रांग है, पेट्रोल वगैरह में मार्केटिंग मार्जिन्स काफी स्ट्रांग है, प्राइस टू बुक अभी 1.5 times भी नहीं, यू नो जो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। और जैसा आपने बिल्कुल सही बोला, पहले पीएसयूज में मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल होती थी, यू नो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल नहीं होती थी। अब गवर्नमेंट यही बोलती है कि अगर आपको कैपिटल नहीं रिक्वायरमेंट है तो आप ये डिविडेंड दे दीजिए, और ये बिल्कुल सही है। अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कम रखें तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डेफिनेटली मूव अप। और एज रिगार्ड्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आप देखें तो नेक्स्ट 3 या 4 साल में 20 या 25% कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सो चूंकि ईवी एनवायरमेंट वगैरह रहेंगे, 30% व्हीकल्स अभी भी 2030 तक इलेक्ट्रिक रहेंगे, पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में यहां से भी काफी जगह है, मुझे ऐसा लगता है। ओके।